जब मैं जज बना तो हर साल मैं वेकेशन में बैठता था। तो जब 5-7 साल हर साल वेकेशन में बैठा तो प्रश्न उठा कि ये वेकेशन में क्यों बैठता है, तो हम वेकेशन में बैठना बंद कर। तो जब सुप्रीम कोर्ट में आया तब भी मैं वेकेशन में बैठता था, हर साल बैठता था। अपने जस्टिस बी एस चौहान बैठे हैं यहाँ, इनका रिकॉर्ड है कि जितने साल ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे उतने साल ये वेकेशन में बैठे। हम क्या कर सकते हैं, जजेस क्या कर सकते हैं, वकील जन क्या कर सकते हैं? क्या हम कुछ दिन एक्स्ट्रा दे सकते हैं? क्या इस मैराथन में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मुझे सलाह दी गई कि आप ऐसे करो कि काम तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत है मगर कुछ छोटे छोटे केस हैं वो आप सुबह रोज लगा दो तो हम कुछ छोटे छोटे केस खत्म कर सकते हैं। तो हमने बेल, एंटीसिपेटरी बेल, ट्रांसफर, रेंट मैटर्स, एक्सीडेंट क्लेम्स, ये छोटे मोटे लगाने शुरू कर दिए, 10-10 एक बेंच पे। तकरीबन हर बेंच वो 10 केस सुबह 1 घंटे में खत्म कर देगा, छोटे मामले, इंजंक्शंस हैं, नीचे स्टे हुआ है, कुछ थोड़ा लंबा टाइम लेते हैं, 1 घंटे में 1.25 घंटे में खत्म हो जाता है, मगर हर रोज 10 केस तो लाजमी खत्म हो जाते हैं। तो मैं विचार कर रहा था कि अगर एक जज सिर्फ 5 दिन वेकेशन में बैठे और उसके पास ऐसे छोटे मोटे जिसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मगर जिसमें बहुत राहत मिलने की बात है, बेल हो, इंजंक्शन हो, जो भी हो, जो भी आपको अच्छा लगे, अगर हम 5 दिन हर जज दें वेकेशन में तो हम 10 लगाते हैं तो 1.25 घंटे में 1.25 घंटे में खत्म हो जाते छोटे मोटे मामले। तो हर जज 20-25 केस तो कर लेगा। अगर एक जज 20-25 केस एक दिन में करता है तो 5 दिनों में 100-125 केस कर ले। और अगर सब 84-85 जज बैठें तो 9,000 केस कर सकते, ये मिनिमम है। हो सकता है 20,000 भी कर लो, हो सकता है 30,000 भी कर लो, बट ये सैक्रिफाइस है 5 दिनों की। इसमें सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन जरूरी होगी, इसमें एडिक्वेसी और इनएडिक्वेसी का सवाल है, इसमें सक्सेस और फेलियर का सवाल है, इसमें जज के सक्सेस का सवाल है, इसमें लिटिगेंट की सक्सेस का सवाल है। उसको एक फैसला एक साल में मिलता है या कुछ महीने में मिलता है या 10 साल में मिलता है, इसका सवाल है, इसमें अपने देश का सवाल है, इसमें वकीलों की कॉन्ट्रीब्यूशन का सवाल है। क्या हम ये चैलेंज ले सकते हैं? जब मैं एनजेएसी का केस सुनने लगा तो रेगुलर डेज में सुना तो फिर वेकेशन आ गई, तो मैंने कहा आपको और टाइम नहीं मिलेगा, अगर वेकेशन में करना तो करो। तो सब वकील माने कि हाँ वेकेशन में करेंगे। अगर एनजेएसी वेकेशन में हो सकता है तो क्या वेकेशन में नहीं हो सकता? तो ये आपको निर्भर फैसला लेना है, निर्भर करना है कि आप कर सकते हो 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, डिपेंडिंग ऑन
आपके क्या प्रोग्राम हैं, आप अपने चीफ जस्टिस से बता सकते हो कि मैं इन विषयों में कंफर्टेबल हूं, अगर चीफ जस्टिस माने तो वो आपको उस सब्जेक्ट का, या अगर वो सोचें कि कुछ और सब्जेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है और वो भी आप कर सकते हो तो उसका काम आपको दें। ये एक 5, 7, 10 दिन के साथ कई हज़ारों फैसलों का फैसला हो सकता है।